हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद बेल का आइकन प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। चार्ट, ठीक है, क्लिक करेंगे चार्ट में। अब जो चार्ट चुनना है, जैसे पाई चार्ट पढ़ा होगा तो लोग, क्लास 10 में भी था, क्लिक करके यहां से ओके कर दो, ठीक है, यहां फिर खुलेगा। तो मान के चलो हमको बनाना है कि एक कंपनी है जो 2010 में इतना का प्रोडक्शन किया माल, 2011 में इतना का प्रोडक्शन किया, 2012 में इतना का प्रोडक्शन किया, 2013 में इतना, रेशियो निकालना है, बस वो ना। तो उस तरह हमें चार्ट यूज कर सकते हो। या हमको पॉपुलेशन दिखाना है उरीमारी का, कि महिला का कितना पॉपुलेशन है, मेल का, फीमेल का, समझ रहे हो कि नहीं। तो उस तरह से, तो जैसे हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, सेली का दिखा देते हैं, ईयर, ठीक है, और प्रोडक्शन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ईयर 2010 का या 2015, 2014 में कितना का प्रोडक्शन हुआ, तो इतना का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद 2015 में कितना का प्रोडक्शन हुआ, इतना का प्रोडक्शन हुआ। 2016 में कितना का प्रोडक्शन हुआ, तो इतना ही का प्रोडक्शन हुआ। 2017 में कंपनी का प्रॉफिट और लॉस समझ में आएगा कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। समझा है ना। तो एक ग्राफिक के रूप में जो हम लोग लिखे हैं, है कि नहीं, उसको क्या दिखा रहा है, एक फोटो के रूप में दिखा रहा है ना, पिक्चर के रूप में। तो इसी को क्या बोलते हैं, चार्ट। समझ रहा है बात को, जो लिखे हैं हम लोग उसी को एक ग्राफिक के रूप में दिखा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, चार्ट। अब इसको क्लोज कर दो, ठीक है। अब यहां पर ये दो चीज आता है, तो डिजाइन और दूसरा फॉर्मेट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कौन सी, डिजाइन, ठीक है, डिजाइन में आओ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक मिलता है क्विक लेआउट, यहां से चेंज करो, देखो यहां सब कुछ परसेंटेज दिखा रहा है, देखो 2017 का दिखा रहा है इतना प्रोडक्शन, 2014 का इतना प्रोडक्शन, 2015 का इतना प्रोडक्शन, 2016 का इतना प्रोडक्शन दिखा रहा है ना, कहां से, क्विक लेआउट से। किसी किसी में नहीं दिखता है, किसी किसी परसेंटेज के रूप में देखना है तो परसेंटेज के रूप में देख सकते, 2017 में इतना परसेंट प्रोडक्शन हुआ, जबकि 2014 में इतना प्रोडक्शन, 2015 में इतना प्रोडक्शन, इतना परसेंट प्रोडक्शन। यहां से कलर चेंज करने के लिए होता है, चार्ट का कलर चेंज कर सकते हो, स्टाइल मैंने, ये ठीक है। अगर ये चार्ट पसंद नहीं आया तो ये चार्ट फिर से यहां चेंज दे रहा है, चेंज कर सकते हो। जैसे बार चार्ट हम लोग करना है तो बार चार्ट कर सकते हैं, कॉलम चार्ट देखना है तो कॉलम चार्ट यहां ओके कर दो, दिखा रहा है ना। तो सबसे ज्यादा कौन सा इयर्स में था प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा 2017 में दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चार्ट बना सकते हैं, चेंज कलर यहां से कर दो, इस तरह से चेंज करना है तो फिर से चेंज कर सकते हो, यहां से लाइन चार्ट रखना तो लाइन चार्ट रख दो, यहां ही बता रहे हैं सबसे ऊपर क्या है रेशियो, है ना, कितना 2017 का 18 इतना है, कितना है पता नहीं, तो देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात। तो यहां चेंज हो रहा देख लो, और कौन सी देखो, क्विक लेआउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कलर देख लो, चेंज कलर देख लो, ठीक है, सिलेक्ट, ये सब उतना जरूरी है। एडिट कर सकते हो, एडिट, एडिट का मतलब हो गया कि नहीं, 2017 में इतना नहीं था, 19 था, है ना, एडिट कर दो डाटा, एडिट डाटा, देखो यहां क्लिक करके यहां डाटा हम लोग चेंज किए, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है,
हो गया ना, 19 हुआ। तो यही है चार्ट हम लोगों का, चेंज चार्ट कर भी कर सकते हैं यहाँ से, चेंज जितना कर लो एरिया सब दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे बढ़िया है। क्लिक करोगे तभी यहाँ पर डिजाइन खुलता है। तो ये है चार्ट।